श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय एक श्लोक संख्या 37-38। यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलाशया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नागेयं असमाभि पापाद् अस्मान् निवृत्तितुं कुलाशया कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने पापम एवं आश्रेद, हम पाप की आश्रय क्यों लें अगर धृतराष्ट्र के पुत्र पाप करने पर तुले हुए हैं, तो और उसी को अर्जुन आगे बढ़ाते हुए इन श्लोकों में भी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। पातकम यानी उसी पाप की चर्चा की जा रही है, पर महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में कही जा रही है, ना पश्यन्ति लोभो पहत चेतसा, कि लोभ के वशीभूत होकर, लोभो पहत लोभ के वशीभूत होकर ना पश्यन्ति देख नहीं पा रहे हैं, वास्तविकता का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो धृतराष्ट्र के पुत्र लोभोपहत चेतसा, लोभ के कारण वशीभूत हैं और युद्ध करने पर तुले हैं, लेकिन हम तो लोभ के वशीभूत नहीं हैं, तो फिर हम युद्ध क्यों करें, हम उनके समान व्यवहार क्यों करें? तो लोभो पहत चेतसा, तो लोभ हमें वास्तविकता का दर्शन करने से ढक देता है, रोक देता है। इसलिए शास्त्रों में अंधापन कई प्रकार से बताया गया है, जैसे कामांध, काम से अंधापन, मदांध अहंकार का अंधापन, लोबांध लोभ से अंधापन। तो सिर्फ अंधापन इस बाह्य दृष्टि से नहीं, इस चेतना पे जो आवरण है काम का, अहंकार का, लोभ का, द्वेष का, इनसे भी अंधापन आता है। इसलिए परम सत्य को जानने के लिए, परम भगवान को जानने के लिए इन सब आवरणों से ऊपर उठना होगा, इनको शुद्ध करना होगा। लेकिन यहाँ पर चर्चा लोभ के कारण अंधेपन की आई है, लोभोपहत। तो लोभ क्या है, हमारी चेतना को दूषित कर देता है। और आज के पूरे विश्व भर में लोगों के जीवन यापन करने के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन ये विश्व के साधन एक व्यक्ति के लोभ की पूर्ति नहीं कर सकते। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम्, सब स्थान पे ईश का आवास है और सब उनकी संपत्ति है। तो ये भूमिर अप अनल वायु खम मन बुद्धिर, ये सब भगवान के पंच महाभूत हैं और उन्हीं के मिश्रण से अनेक वस्तुएं बनी हैं, और हम लोभ वशीभूत होकर उनका दोहन करना चाहते हैं, उसका नियंत्रण करना चाहते हैं, उसे भोगना चाहते हैं। तो शास्त्र इस शरीर को बनाए रखने के लिए जितना आवश्यक है उतनी तो अनुमति देते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, ये भक्ति में विनाश का कारण बनती है, प्रगति का कारण नहीं बनती। इसीलिए जब युधिष्ठिर महाराज ने जब द्वापर युग के अंत में देखा कि लोगों के अंदर लोभ की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो वो समझ गए कि भगवान कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर चुके होंगे, और तब उन्होंने अर्जुन को द्वारका भेजा था देखने के लिए कि वास्तव में क्या भगवान अपने धाम जा चुके हैं।
तो प्रभुपाद जी वहाँ कहते हैं कि जहाँ पर भी भगवान कृष्ण जीवन का केंद्र नहीं होंगे वहाँ लोभ होगा, और जहाँ कृष्ण केंद्र हैं वहाँ लोभ की भावना नहीं रह सकती। तो लोभ हमें कभी शांत नहीं रहने देगा, ये हमें अनेक प्रकार के कर्मों को करने के लिए धकेलता रहेगा, प्रवृत्त करेगा। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन का मतलब है संतुष्टि का जीवन। जैसा भी जो भी व्यवस्था हमें इस जीवन का यापन करने के लिए, इस शरीर का और शरीर पर आश्रितों का पालन करने के लिए जैसी भी सुविधा असुविधा मिली है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। लोभ के वशीभूत होकर अगर हम संग्रह करने की मानसिकता को रखेंगे तो फिर निश्चित रूप से हम इस जीवन के लक्ष्य को खो देंगे, और ये जीवन क्षणिक है। एक दिन ये शरीर छूट जाएगा और इस शरीर के साथ संबंधित जो वस्तुएं हैं वो भी छूट जाएंगी। तो जब सब कुछ छूट जाएगा तो फिर हम इतना समय अनावश्यक संग्रह की मानसिकता को प्रवृत्त करने के लिए क्यों निवेश करें। तो आत्मा के साथ तो सिर्फ आध्यात्मिक जीवन ही जा सकता है। कुछ भी भौतिक इस संसार का, चाहे हमारी विद्या, धन, वस्तुएं, संपत्ति, परिजन, सभी तो इस शरीर के छूटते छूट जाते हैं, लेकिन हम उनको एकत्रित करने में, संग्रह करने में इतना बहुमूल्य जीवन का समय लगा देते हैं। लेकिन आत्मा जो कि आध्यात्मिक जीवन, जो कि एकत्रित किया जा सकता है, आध्यात्मिक धन, भक्ति का धन, वो आत्मा के साथ जाता है। और अगला जन्म जो इस जीवन में जितना भक्ति का स्तर छोड़कर जाते हैं उतना ही रुझान अगले जन्म से आरंभ हो जाता है, और वहीं से भक्ति आरंभ हो जाती है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं लोभ साधु संगे हरि कथा, कि लोभ किसके लिए करना चाहिए, हम भक्तों का अधिक संग करें, हरि कथा सुने, हरि नाम लें, ये लोभ रखना चाहिए। तो ये लोभ तो हमारी मुक्ति का कारण बनेगा, लेकिन जब पदार्थ के लिए लोभ किया जाएगा, इस जगत के पदार्थों, वस्तुओं, यश, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा आदि के लिए लोभ किया जाएगा तो लोभांध में हम वास्तविक जीवन का लक्ष्य भूल जाएंगे और ऐसे कर्मों में प्रवृत्त हो जाएंगे जो हमारे लिए हानिकारक होंगे। तो धृतराष्ट्र लोभांध थे, वो हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए गीता के पहले अध्याय के पहले प्रश्न से ही वो कहते हैं माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो वहीं से लोभ नजर आता है कि वो अपने लिए लोभ रखते थे, इसीलिए अपने पुत्रों की विजय चाहते थे। तो धृतराष्ट्र लोभी थे और उनके पुत्र भी लोभी थे, और अर्जुन कह रहे हैं हम तो लोभ से आविभूत नहीं हैं, तो क्या लाभ हम क्यों युद्ध करें। हे जनार्दन, हो सब जनों को आश्रय देने वाले, आप ही बताइए। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हर परिस्थिति में कर्तव्य पालनीय होता है, चाहे परिणाम विपरीत भी हमारे क्यों ना हो, लेकिन हमें कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, और यही हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाता है। और लोभ से हमें बचने के लिए भगवान को पाने का लोभ अर्जित करना चाहिए, कम से कम ऐसी इच्छा तो रखनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक भगवान की भक्ति और सेवा में प्रवृत्त हों। तो जब ये लोभ रखेंगे परम सत्य को जानने का, परम भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का, तो फिर इस भौतिक जगत का जो लोभ है वो हम त्याग पाएंगे, जो कि आत्मा के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। हरे कृष्णा।